bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum i hope you all are fine and staying safe and happy i am your science teacher Ms. virheen and i welcome you all to your science class my dear students as you know that we are on chapter number four and the name of our chapter is environmental pollution today i am going to deliver its second lecture and in this lecture we are going to discuss about air pollution but before that let's quickly recap what we did in the previous lecture look at these pictures very carefully and then tell me that what are different pollutants that are हार्मिंग आर एनवायरमेंट कौन से मुख्तिक पोलूट्स हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं दैट कुड बी गाबेज केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एनर्जी दे कैन ऑल बी पोलूट्स ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉर्वर्ड टू वर्ड एंड एक्टिविटी अगेन लुक एट दिज पिक्चर्स एंड नाउ टेल मी दैट वॉट इज एयर पोलूशन the addition of any bad thing to the air which has a bad effect on the life that is air pollution okay now what can be different causes of air pollution hawako aluda karne ke ya air pollution ke mukhtalif causes con the smoke coming out of the cars factories burning of fossil fuels these all are causing air pollution Okay, my dear students, now let's quickly look at this uh, today's student learning outcome. So, in today's lecture, students will be able to explain the main causes of water, air, and land pollution. We are only going to discuss about air pollution today, and they will also be able to explain the effects of air, air pollution, like smoke, smog, excess carbon dioxide, and other gases on the environment and life. सो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या है एयर पोल्यूशन के और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन जब होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे यानी कि किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को ख़राब करिए आलूदा करिए वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट So, my dear students, let's quickly move forward towards Islamic perspective. So, in an hadith, Nabi Pak says that the world is sweet and green and really Allah is going to install you as wise surgeons in it in order to see how you act. So, my dear students, Allah Ta'ala has made this world very beautiful and has sent man to this dunya by making Uh, उसको जज कर सके उसको देख सके कि वो दुनिया में किस तरीके से बिहेव करता है किस तरीके से क्या वो ख़राब करता है दुनिया को बुरे कामों में लग जाता है या वो एक बेहतर इंसान बनता है सो माई डियर स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें हैं जिसकी वजह से आप जो है अल्लाह ताली को जवाब दें सो डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फार्ड टू द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली लुक एट दीज क्वेश्चन एंड टेल मी दैट वॉट कैन बी इफेक्ट्स ऑफ एयर पोलूशन टू आर नेचुरल एनवायरमेंट आपको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो सकता है हवा के आलूदा होने से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है जितने भी सांस लेने वाले जो जानवर हैं और इंसान हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन सो हाउ इट इफेक्ट्स आर हेल्थ सो ऑब्वियसली इट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन आर हेल्थ लोगों के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं लंग्स इफेक्ट होते हैं इससे हमारे सो इस वजह से ब्रीदिंग इशूज बहुत ज्यादा फैल रहे हैं वट शुड बी डन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन किस तरीके से हम हवा की आलूदगी को कम कर सकते हैं बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स ऑल्टरनेटिव ढूंढे यानी कि आप Uh, जो है गाड़ी पे अगर आपको कहीं जाना है अगर आप वहां पैदल जा सकते हैं तो ट्राई टू गो ऑन फुट ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये एयर पोल्यूशन भी कम करेगा सो so, व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हो और इंडिविजुअल जो ट्रांसपोर्टेशन uh, है वो कम हो जाए अगर तो इस तरीके से भी पोल्यूशन uh, कम हो सकती है इसके अलावा प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज क्योंकि पोल्यूशन को खत्म करने का या कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाए इसके अलावा बाकी जो है हम आगे रीडिंग में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम पोल्यूशन कॉज होती है और किस तरीके से इसको कम भी किया जा सकता है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर फिफ्टी थ्री इन योर science 5 books i hope everybody has done it now let's start reading types causes and effects of pollution there are three main types of pollution air pollution water pollution and land pollution we are going to discuss about air pollution today air pollution air pollution is caused due to burning of fossil fuels that adds smoke and harmful gases to the air इट is द मोस्ट हार्मफुल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इन our environment सो so, my डियर स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा fossil फ्यूल के बर्निंग से जो है वो कॉज होती है आपकी गाड़ियों में जो तेल डलता है दैट इज़ फ़ॉसिल फ्यूल जो आपके घरों में गैस जलती है दैट इज़ फॉसल फ्यूल सो इनकी बर्निंग की वजह से कोयला जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज ऑल्सो फॉसल फ्यूल तो इनकी बर्निंग की वजह से इनके जलाने की वजह से जो धुआँ रिलीज होता है दैट कॉज इज और ये जो है सबसे a uh, dangerous form of pollution has causes of air pollution air pollution is caused by the smoke coming out of cars buses trucks trains and factories it contains poisonous gases such as sulfur dioxide carbon monoxide and nitrogen dioxide Even smoke from burning litter and cigarettes also pollutes the air and adds carbon dioxide. So, my dear students, जब भी तेल कहीं जलता है इसके अलावा हमारे घरों में गैस जलती है ये तमाम जो हैं, ये बहुत डेंजरस गैसेस जो हैं ये हवा में रिलीज करते हैं किस तरह की गैसेस होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है इसके अलावा जो सिगरेट स्मोक की जाती है उसका धुआं जो है वो भी कार्बन डाईऑक्साइड जो है Uh, उसको हवा में शामिल करता है जो कि बहुत डेंजरस है फ्लोरो फ्लोरोकार्बन्स

So, here you can see different types of pollutants in the air. Now, effects of air pollution. Now, what is the effect of air pollution? Let's have a look. Air pollution has severely affected water resources and humans. Some of its effects are discussed here.

फोसल फ्यूल जलता है और हवा में शामिल होता है तो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ जो है हमारे ब्रीदिंग uh, सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं और हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को हार्ट को और ब्रेन को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं इसके अलावा जो हमारे दूसरे ऑर्गन हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं दीज फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉग बाय कंबाइनिंग विद वाटर इन द एयर अब ये पार्टिकल्स किस तरीके से बनते हैं uh, ये पार्टिकल जो है ये स्मॉग बनाते हैं स्मॉग किस तरीके से बनती है जो एयर पोल्यूशन होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसे शामिल होती हैं जब ये हवा में मौजूद बुखारात से मिलती हैं वेपोरेशन के जरिए जो मुख्तु वाटर वेपर्स हैं उनके साथ जब ये कंबाइन होती हैं तो दे फॉर्म स्मॉग एयर पोल्यूशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर आस्थमा एलर्जीज एंड वेरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स सम टाइम्स द डैमेज बिकम्स इर रिपेयरेबल सो माई डियर स्टूडेंट्स एयर पोलूशन की वजह से क्या क्या चीज़ें कॉज होती हैं इससे जो है लंग कैंसर का जो आ, रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है आस्थमा यानी कि दमा इसके अलावा मुख्तलिफ जो एलर्जीज़ हैं जो कि ब्रीदिंग एलर्जीज़ हैं वो भी लोगों के अंदर सामने आती हैं कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या डैमेज़ हैं इनका ये इपेयरेबल हो जाती है यानी कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता एयर पोलूशन कॉजे ट्रवल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स They, uh, the swear air pollution present prevents them from reaching their destination. so my dear students migratory birds जो ke मौसम की तब्दीली की वजह से जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह migrate करते हैं ये उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं pollution की वजह से उनकी माइग्रेशन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा problems होते हैं जिसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं कर पाते और अल्टीमेटली क्या होगा जब वो अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे तो उनको लाइफ थ्रेट्स हो जाते हैं सो एयर पोल्यूशन किस किस तरीके से होती है फैक्ट्रीज कार एग्जॉस्ट की वजह से आपके इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल की वजह से एंड इट ऑल्सो काजेज और क्या है इसके काजेज़ ये आपके एयर कंडीशनर्स की वजह से जो है इस वजह से एयरोसोल्स की वजह से इंसेक्ट रिपेलेंस की वजह से, uh, से भी होती है इसके अलावा इसके काजेज़ क्या है सिगरेट की वजह से भी होती है अब इससे इफेक्ट क्या होता है ये हमारी बॉडी के ऊपर और हमारे इंटरनल ऑर्गन ब्रेन और लंग्स के ऊपर दे हैव अ वेरी बैड इफेक्ट और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कोई ऑल्टरनेटिव जो है हमें ढूंढना चाहिए इसके लिए जैसे कि हमें चाहिए कि हम वी मस्ट मूव टूवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड मिल विंड uh, एनर्जी की तरफ सोलर एनर्जी की तरफ इस तरीके से हमें एनर्जी जो है वो यूज करनी चाहिए ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज अ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नंबर फोर एस्टिमेट पोल्यूशन इन योर एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी इंडेक्स मटेरियल रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप मैग्निफाइन ग्लास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्रोसीजर क्या है कि आपको अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है तो दो ग्रुप्स बनाए और एक एक स्लाइड दोनों को दे दें अलॉट ईच ग्रुप टू लोकेशन इन द स्कूल दोनों ग्रुप्स को जो है दो लोकेशन दे दें स्कूल के ऊपर उसके बाद लेबल कर दें स्लाइड्स को स्लाइड वन एंड स्लाइड टू या ग्रुप स्लाइड ए एंड स्लाइड बी इसके अलावा या ग्रुप नंबर जो है आप उसके ऊपर डाल दें इफ ए माइक्रोस्कोप इज नॉट बींग यूज ड्रॉ वन और वन स्क्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द ग्लास स्लाइड यूजिंग परमानेंट मार्कर्स अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप वन इंटू वन सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है एक ड्रॉ कर दें स्लाइड के ऊपर परमानेंट मार्कर्स से उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ पेट्रोलियम जेली जो है वो आप इस स्क्वायर के अंदर लगा दें जो स्लाइड के ऊपर आपने ड्रॉ किया है उसके बाद आपने इन स्लाइड्स को जो है Uh, जो आपने बच्चों को अलॉट की किए लोकेशंस वहां रख दें चार से पांच घंटे के लिए जो जेली हमने लगाई है उसके ऊपर जितनी भी एनवायरमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या पोलूट हैं वो उस जेली के साथ स्टिक हो जाएंगे और उसके बाद बच्चे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हैंड लेंस से या इफ यू हैव अ माइक्रोस्कोप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं सो दे कैन सी द पार्टिकल्स सो वॉट यू नीड टू डू इज रिट्रीव द स्लाइड फ्रॉम द सेट केयरफुली प्लेस द कवर स्लिप्स ऑन दैम And then preserve the 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 particles particles trapped by petroleum jelly or or tape. Using a microscope or hand lens, count the number of particles within one centimeter square. Record the numbers in the following table. आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आपने सिर्फ जो काउंट करने हैं पार्टिकल्स उस जेली के साथ अटैच हुए हैं कवर स्लिप से उसको कवर कर दीजिएगा उसके बाद आपने उसको रीड आउट करना है आपने देखना है कि एक सेंटीमीटर के स्क्वायर के अंदर कितने जो है वो पार्टिकल्स अटैच हुए हैं लेकिन अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तो फिर आपने स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट जो पार्टिकल्स है उनके साइज को और कलर को जो है और शेप को काउंट करना है और नोट no डाउन करना है और उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेकेंड ब्लॉक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थर्ड ब्लॉक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फोर्थ ब्लॉक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स जो है वो अटैच हुए थे यू विल राइट इट डाउन हेयर माई डियर स्टूडेंट दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म a लुक एट द एयर pollutants जितने pollutants जो है एयर में क्योंकि आपको नजर तो नहीं आ रहे so सो दिस इज हाउ जब वो जेली से स्टिक हो जाएंगे तो आप उसको हैंड लेंस से या माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं सो so अब आपका analysis क्या है आंसर द फॉलोइंग questions अकॉर्डिंग टू योर डाटा और टेबल वंस यू हैव performed द प्रैक्टिकल अब आप क्या करेंगे Which location लोकेशन साइट हैज highest एंड लोएस्ट particles कौन सी जो साइट है यानी कि अगर आपने दो साइड्स पे लिखे हैं तो किस साइड पर सबसे ज्यादा जो है वो पार्टिकल्स थे और किस साइड पर कम पार्टिकल्स थे आपने बताना है लोकेशन ए पे या लोकेशन बी पे वेयर देयर वेयर देयर एनी वेयर देयर एनी स्पेसिफिक पार्टिकल्स दैट कुड बी आइडेंटिफाइड क्या कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिनको आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये इस टाइप की पोलूटेंट uh, है आर एनी ऑफ द रिजल्ट डिफरेंट

कम चल रही थी आहिस्ता थी उस दिन आपका डाटा किस तरह का था कंक्लूजन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी सो मेनली आपका जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए कि इस एक्टिविटी से इस तरीके से आप स्लाइड लेंगे उसके ऊपर आपने पेट्रोलियम जली लगानी है उसको मार्कर से जो है वो नेम करना है और उसके बाद जो है आपने उसको लोकेशंस के ऊपर रख देना है रीड आउट करने के बाद जो आपका कंक्लूजन uh, है वो ये होगा दैट आर एयर इज फुल विद पल्यूटेंट ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलूटेंट से ये भरी हुई है सो नाउ इज द टाइम फॉर अवैल्यूएशन वट इज एयर पोल्यूशन क्विकली टेल मी द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज इन टू द एयर इज एयर पोल्यूशन वट आर डिफरेंट कॉजेज दैट पोल्यूटिंग आर एयर बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एरोसोल्स क्लोरो फ्लोरोबन दीज आर काजिंग एयर पोल्यूशन देन वट आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन हेल्थ दे आर काजिंग लंग्स कैंसर ब्रेन डिजीजेज रेस्पायरेटरी डिजीजेज एलर्जीज सो वट टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेयर्स वी कैन एडोप्टिड्यूस एयर पोल्यूशन वी मस्ट स्टॉप यूजिंग और कम कर दें यूज है एयर कंडिशनर्स का इसके अलावा वहीकल्स का बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का हमें जो है रिप्लेसेबल एनर्जी जो है उसकी तरफ मूव करना चाहिए एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज सो माइ डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट एट एंड प्रिंट फॉम बायर टीचर राइट डाउन यू नेम एंड रोल नंबर एंड देन वट इज एयर पोल्यूशन वट आर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन राइट एन टू what are effects of air pollution to our health? what should we do to reduce air pollution? choose right one from the following. take a picture have that is the right. of course, planting trees, that will reduce the air pollution. okay, my dear students, now quickly note down your homework. for homework, you will do question number one, and you will only do the air pollution part. it is in section c, page number 73, and you will also do project number two on page number 57. So, you will do this question and you will only do explain the causes, effects, and remedies of different types of pollution. You will only do air pollution today. <clears throat> then, next, you will do project number two. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एयर एसिड रेन द पिक्चर शोज द एसिड रेन फॉर्मेशन डिस्कस इट्स इफेक्ट विद योर फ्रेंड एंड प्रिपेयर अ रिटर्न रिपोर्ट सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी कि जब हम डिफरेंट फॉसल फ्यूल्स बर्न करते हैं उसकी वजह से सल्फर सल्फर डाईक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं जब ये वहाँ जाकर uh, वेपर वाटर वेपर से मिलते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कॉज करते हैं विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसेड एंड दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ उसके बाद जब बारिश होती है तो दे कम डाउन अगेन जिसकी वजह से जो है बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं uh, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंसानों के ऊपर भी हेल्थ के ऊपर भी तो आपने इनके इफेक्ट्स को सर्च करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ नेक्स्ट डे डिस्कस करना है Okay my dear students now is the time for wrap up for wrap up today we have discussed that air pollution is caused by smoke of burning fossil fuels and trash chlorofluorocarbons released from sprays refrigerators and also cause air pollution it affects our healthy health badly that is increased risk of lung cancer and asthma we can reduce air pollution by planting trees and no trash burning in open air and by causing eco friendly energy resources so my dear students this is how we can reduce air pollution and we must take care of our environment keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz